सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, अगर आप किसी से पूछे कि बॉलीवुड की मूवी बनाने क्या चाहिए, तो आपको जवाब मिलेगा एक हीरो, एक हीरोइन और एक विलन। एक ऐसा विलन जिसकी हंसी शैतानी हो और हर बार वो हीरो को मारने की सोचे। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने हमें कुछ ऐसे विलन्स दिए हैं जो आज भी हमें याद है और इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। प्राण कृष्ण सिकंद, जो फिल्म इंडस्ट्री में प्राण के नाम से मशहूर थे, बॉलीवुड के एक बेहतरीन विलन थे। इनके करियर की शुरुआत 1940 में हुई और इन्हें विलन के रोल्स 1942 में मिले। 1942 से 1991 तक इन्होंने कई सारे विलन के रोल्स किए और पब्लिक ने इन्हें विलन के रूप में खूब पसंद किया। प्राण को नेगेटिव रोल्स के लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिले। अमरेश पुरी हमेशा से हीरो बनना चाहते थे, पर एक हीरो के रोल का स्क्रीन टेस्ट फेल होने के बाद उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उन्हें विलन का रोल मिला और उन्हें पब्लिक ने खूब पसंद किया। अमरेश पुरी अपने रोल्स और डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि मोगैम्बो खुशवा, जो कि मूवी मिस्टर इंडिया का डायलॉग है। अमरेश पुरी ने 400 फिल्म्स में नेगेटिव रोल किया है। 1980s से लेकर 1990s तक हर मूवी में अमरेश पुरी ने विलन का रोल किया है। अमजद खान अपने डायलॉग कितने आदमी थे और अपने कैरेक्टर गब्बर सिंह के लिए मशहूर है। अमजद खान ने 130 फिल्म्स की है और शोले फिल्म से पहले इन्होंने कई पॉजिटिव रोल्स किए, पर इन्हें स्टारडम फिल्म शोले के कैरेक्टर गब्बर सिंह से मिली। प्रेम चोपड़ा, आइकॉनिक डायलॉग प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा को इस लिस्ट में लेके आता है। प्रेम चोपड़ा ने 350 फिल्म्स में काम किया है, जो कि साल 1965 से लेके 1994 तक थी। डैनी डेंजोंगपा ने 190 फिल्म्स में काम किया है। साल 1971 से लेके अब तक भी वो काम कर रहे हैं। इनके करियर की शुरुआत हुई थी फिल्म जरूरत से, पर ये मशहूर हुए बीआर चोपड़ा की फिल्म ढूंढ से, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव रोल प्ले किया था। 2003 में इन्हें पद्मश्री भी मिला। शक्ति कपूर दोनों नेगेटिव और कॉमिक रोल्स के लिए मशहूर है। इन्होंने 700 फिल्म्स में काम किया है। 1980 और 1981 के दौरान इन्होंने विलन का रोल प्ले किया मूवी रॉकी और कुर्बानी में, और बहुत फेमस हुए। गुलशन ग्रोवर, बॉलीवुड के बैड मैन ने अपने करियर की शुरुआत काफी कम उम्र से की थी। इन्होंने 400 फिल्म्स में काम किया है। इनकी टॉप मूवीज है मोहर, आई एम कलाम, 16 दिसंबर। लोगों को इनकी डायलॉग डिलीवरी बेहद पसंद थी। अजीत खान अपने आइकॉनिक विलन रोल्स के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। इन्होंने 200 फिल्म्स की है और इनका पहला विलन रोल था मूवी जंजीर में। अजीत ने हमेशा से एक स्मगलर का रोल किया है। अनुपम खेर बॉलीवुड के एक वर्सेटाइल एक्टर है। कई मूवीज में इन्होंने विलन का रोल प्ले किया है, पर इनका सबसे यादगार रोल है डॉक्टर डैंग का सुभाष गय की मूवी कर्मा से। आशुतोष राणा, विलन्स की बात हो और आशुतोष राणा का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आशुतोष की आवाज और उनका नेचुरल एक्टिंग स्किल्स उन्हें सबसे अलग करते हैं। सिर्फ मूवीज में ही नहीं, बल्कि टीवी पर भी आशुतोष ने नेगेटिव रोल्स प्ले किया है।